अरे यार मारो अभी तो दफा करो इसको मजाज है वाला बच्चा क्या मजाज है वाला लगाई हुई है जैसा खराब करते हो और एमएसएफ वालों मेरी बात सुनो अगर तुम एमएसएफ वाले हो तो फिर तो बिहेव करो और अगर तुम कोई और जमात से ताल्लुक रखते हो तो चला जाओ यहां से मैं सीधी बात कर रहा हूं ये बात बद इंतजामी मत करें हमारे जलसे में कि वो सब कॉन्फ्रेंस है आप लोगों की बद इंतजामी की वजह से नहीं पहुंची ये नज्म व ज़ब्त की वजह से पहुंची है और जो उसको बरकरार नहीं रखता न वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही है न एमएसएफ के साथ उसका ताल्लुक है एमएसएफ वालों के नारे मारूफ है उनको पता है कि हमारा कौमी नारा है नारा तकवीन इस्लाम पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कोई नारा हमारा कौमी नारा नहीं ये बाकी सब नारे आप फसाद पैदा करने के लिए पैदा करते हैं और अपने भैंसे लड़ाने हैं तो जाके उधर मैदान में लड़ाएं यहां मजलिस में मत ऐसा करें अहमद उमर सल्ली अला रसूलिल करीम अकावरीन बिलत मुअज्जज़ ख़वातीन इस इज्तिमा में हमारे प्रेस के नुमाइंदे शरीक हैं मुस्लिम लीग की ख़वातीन हैं नौजवान तालिबे इल्म हैं और हमारे बड़े मोहसिन मियां हयात बख्श साहब हैं और रईस अल काज़ी मिल्लत चौधरी गुलाम आबाद के साहबजादे हैं अला हज़रत के आस मकबूजा कश्मीर से आए हुए बाद अकाबरीन हैं और फिर मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हमने बिला तख्सीस जिससे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा बिला तख्सीस सबको दावत दी है और इस मौके पर हम सबको दावत देते हैं क्योंकि काज़ी मिल्लत जिस वक्त रियासत में मुसलमानों की क्यादत कर रहे थे उस वक्त दूसरी हैसियत दूसरे तबके की क्यादत शेख अब्दुल्ला कर रहे थे इसलिए वो तमाम लोग जो रियासत में मुसलमानों की आजादी पर यकीन रखते थे वो सब लोग तकरीबन किसी न किसी तरीके से काज़ी मिल्लत के साथ वाबस्ता रहे इसलिए हम बिला तख्सीस सबको दावत देते हैं मैं शुक्रगुजार हूं कि इस जलसे में जलसे से पहले यहां सरकारी तकरीब में मुमताज राठौर जो पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो भी आए हमारे साथ अमानुल्लाह खान भी यहां उन्होंने तकरीर भी की और भी लोग यहां तशरीफ लाए होंगे जो दूसरी जमातों से ताल्लुक रखते हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं उनको खुश आमदीद करता हूं जमात इस्लामी के लोग हैं और बेशुमार दोस्त यहां तशरीफ लाए हैं हमारे वफाकी वजीर मेहताब खान भी हैं राजफलौर ने भी गुफ्तगू आपने सुनी है इसी तरह बाकी दोस्तों ने गुफ्तगू की है हमारे भी जमात के अकाबरीन हैं कारकुन हैं मैं अभी बात नहीं करूंगा वक्त काफी हो गया है इस बात का भी मुझे एहसास है कि मौसम के खराबी की वजह से आप हजरात उस तरह जिस तरह जोर से फरोश के साथ आना चाहिए था आप हर साल आते थे नहीं आ सके हैं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये भी गनीमत है कई बातें यहां हुई है मैं जैसे आज किया कि लंबी बात करना जरा मुश्किल है इस वक्त लेकिन एक बात जो जिसकी तरफ राजा साहब ने तवज्जो दिलाई है मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि काज़ी मिल्लत की बरसी के मौके पर हमारे कारकुनों को नौजवानों को खास तौर पर जिस पर तवज्जो करनी चाहिए वो बात रईस अल एराज का अपना जाति और सियासी किरदार है अगर कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही उनके जाति और सियासी किरदार से मुतासर नहीं है तो वो माफ करें मैं कहूंगा कि वो झक मार रहा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उसका कोई फायदा नहीं है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहने वो अपना वक्त जाहिर कर रहा है वो किसी और जमात में चला जाए ये बात मेरी अच्छी तरह याद रखें कि काज़ी मिल्लत के किरदार का कोई ना कोई मैं नहीं कहता कि काज़ी मिल्लत ही सारे बन जाए वो बन नहीं सकते बहुत कोशिश लोगों ने की होगी लेकिन